नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल संजीवनी बुटी पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आयुर्वेदिक टोटके, हेल्थ केयर से जुड़ी बातें, फिटनेस टिप्स जैसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। आइए जानते हैं उल्टी रोकने और जी मचलने के 10 आसान घरेलू उपाय। जी मचलना, दस्त लगना और उल्टी आना खराब पाचन तंत्र के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम कुछ उल्टा सीधा खा पी लेते हैं जो ठीक से पच नहीं पाता, जिससे उल्टी की शिकायत होने लगती है। अक्सर सफर के दौरान भी कुछ लोगों को जी घबराना और उल्टी आने की परेशानी होती है। बच्चों की उल्टी रोकने के लिए कुछ लोग दवा का सहारा लेते हैं। बिना मेडिसिन लिए आयुर्वेदिक तरीके से भी उल्टी का उपचार कर सकते हैं। कुछ लोगों को कार और बस में यात्रा के दौरान उल्टी आने और जी मचलने की शिकायत होती है। अगर आपको भी सफर करते वक्त उल्टी आती है तो यहाँ बताए गए नुस्खे पर ध्यान दें। उल्टी में खून आने पर तुरंत डॉक्टर से मिले और जाँच करवाए। जी मचलने और उल्टी होने के कारणों में अधिक शराब पीना, सफर के दौरान उल्टी होना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, भूख से अधिक खा लेना, एसिडिटी, पेट में गड़बड़ी, प्रेगनेंसी, किसी दवा का साइड इफेक्ट करना। उल्टी रोकने के लिए ये उपाय हैं और ये नुस्खे हैं। 10 ग्राम शहद एक कप पानी में मिलाकर पीने से उल्टी का आना बंद होता है। पेट खराब होने की स्थिति में एक कप उबलते पानी में सूखे पुदीने के एक चम्मच पत्तियां डालें और 5 से 10 मिनट बाद इसे छानकर पी जाएं। इस घरेलू नुस्खे को करने के कुछ ही देर में आराम मिलने लगेगा। प्याज का रस एक चम्मच और किसा हुआ अदरक एक चम्मच मिलाकर इस मिश्रण को थोड़ी देर में ले। इस होम रेमेडीज से उल्टी आना बंद हो जाएगा। बच्चों की उल्टी का इलाज करने का आसान तरीका है उन्हें सौंफ चबाने को देना। पेट में गैस के कारण उल्टी आ रही हो तो इसके इलाज के लिए चावल की मांड पिए। आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से उल्टी बंद होती है। 1 ग्राम हरडे चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी उल्टी रोकने में मदद मिलती है। खराब पाचन की वजह से वॉमिटिंग होने पर 1 कप उबलते पानी में दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच की मात्रा में मिलाएं और थोड़ी देर बाद छानकर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिए। प्रेगनेंसी में उल्टी रोकने के लिए नींबू का रस गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह सुबह पीना चाहिए। बार बार उल्टी आने पर शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे उल्टी और ज्यादा आने लगती है। ऐसी स्थिति में 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक पानी में घोलकर पी जाएं। दिन में कई बार इस उपाय को करें, इससे उल्टी का आना रुकेगा और पानी की कमी भी नहीं होगी। सफर के दौरान उल्टी को रोकने के लिए ये उपाय आजमाएं। यात्रा के दौरान जी घबराना और उल्टी से बचने के लिए आप यात्रा शुरू करने से पहले अदरक की चाय पिए। अगर सफर में जी मचलता है या उल्टी की इच्छा हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाएं। सफर की शुरुआत में फुदीने की चाय पीने से उल्टी की समस्या दूर होती है। जी मचलने के इलाज के लिए नींबू में काली मिर्च और काला नमक डालकर नींबू को चूसे, इससे घबराहट कम होगी, जी मचलना बंद होगा और उल्टी करने की इच्छा नहीं होगी। उल्टी होने और जी मचलने पर आप क्या करें? जब तक उल्टी आना बंद ना हो तब तक हल्का भोजन करें। उल्टी हो गई हो तो थोड़ा सा नमक पानी में मिलाकर कुल्ला करें। शरीर में पानी की कमी ना हो इसलिए ORS का घोल बनाकर पिए। घबराहट हो रही हो और उल्टी करने की इच्छा महसूस हो रही हो तो बेड पर लेट जाएं और कुछ देर आराम करें। भूख से अधिक ना खाएं, खाने के साथ पानी मत पिएं और खाना खाने के तुरंत बाद शारीरिक मेहनत वाले कार्य ना करें। उल्टी रोकने के लिए ये तरीके आजमाएं। जी घबराने पर घूट घूट पानी पिए, दही के साथ मूंग दाल खिचड़ी खाएं, भोजन के तुरंत बाद बिस्तर पर सोने न जाएं, ज्यादा पानी पिए, ताज़ा फलों का जूस भी पी सकते हैं, खाने में कम मसाले प्रयोग करें और हल्का भोजन करें। जी मचलने और उल्टी रोकने के लिए जो उपाय आपको बताए गए हैं वे आपकी जानकारी के लिए हैं। इन्हें करने से पहले
इन्हें करने के तरीके की पूरी जानकारी लें। अगर इलाज के बाद भी आराम नहीं मिल रहा तो तुरंत डॉक्टर से मिले। ऐसे ही जानकारियां लेते रहे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहे। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।